दोस्तों अक्षय कुमार की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है राम सेतु। आप सभी लोगों ने इसका जो पोस्टर है और जो इसका ट्रेलर है वो देख लिया होगा। तो अगर हम इसके पोस्टर की बात करें तो क्लियर एक मैसेज जाता है कि किस चीज़ पर ये फिल्म बेस्ड है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो राम सेतु के नाम से जो जगह जानी जाती है उसका पीछे बैकग्राउंड है। तो इस वीडियो में मैं आज राम सेतु मूवी का पोस्टर डिज़ाइन करने वाला हूं। बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है, आप बहुत कुछ इस वीडियो से सीखेंगे, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने फोटोशॉप ओपन कर लिया, इसमें हम एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं और इस डॉक्यूमेंट का साइज़ जो है वो मैं ले लेता हूँ 1300 और हाइट इसकी रख देते हैं 1550 और इसका जो रेजोल्यूशन है वो 100 रखते हैं। ये एक साइज़ आ गया, इसको थोड़ा सा मैन्युअली मैं अब हाइट थोड़ा सा इसकी बढ़ा दूंगा ताकि और थोड़ा स्पेस मिल जाए। ये लॉक मैंने तोड़ दिया और ऑल्ट बैकस्पेस से मैंने इसमें वाइट कलर कर दिया। तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ इमेजेस हैं जो मैंने कलेक्ट करके रखी हुई हैं, तो ताकि मैं पोस्टर बना पाऊँ। मेरे पास एक राम सेतु का जो श्रीलंका और इंडिया के बीच का जो माना जाता है कि राम सेतु जिसको जिस नाम से जाना जाता है वो मेरे पास इमेज है। मैंने कंट्रोल टी करके इसका जो प्रोस्पेक्टिव है थोड़ा सा मैं इस तरह से कर देता हूँ ताकि लगे कि हम अक्षय कुमार जी इसमें अगर आप देखो तो उसमें चल रहे हैं। तो इस तरह का बनाने के लिए मुझे इसका जो प्रोस्पेक्टिव है वो चेंज करना पड़ेगा। स्केल बड़ा कर देता हूँ और इस तरह से ऐसा कुछ, और इसका जो बैकग्राउंड है, जो बैकग्राउंड होगा वो मैं ये यूज़ करता हूँ। एंटर करके मैंने डन कर दिया और ये इसके बैकग्राउंड में चला गया। अभी जो है वो इस तरह का दिख रहा है। तो इस वाले लेयर को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ये ऑप्शन जो आपको दिख रहा है इससे मास्किंग करते हैं। मैंने इस वाइट पार्ट को सेलेक्ट किया, क्लिक किया और मैं ब्लैक कलर जो ब्रश है वो ब्रश टूल लेता हूँ और यहाँ पर ब्लैक कलर सेलेक्टेड है। मास्किंग, इसको मास्किंग कहते हैं। अगर आप फोटोशॉप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको तब भी इसे हम मास्किंग ये कर रहे हैं, ये चीज़ हो गई। मैंने इरेज कर दिया। सेम चीज़ करेंगे मास्क, ये कलर सेलेक्ट करके मैंने इसको इस तरह से, जो भी मोड आपको अच्छा लगता है इसमें से। वेव्स के लिए थोड़ा सा मेरे पास ये एक इमेज है, मैं इन दोनों को सेम चीज़ जो है यहाँ भी कॉपी पेस्ट कर देंगे, ये आ जाएगा। अब जो ये जिस फ्लोर पे जो मतलब जो मिट्टी है इसको इस पे काम करते हैं। मैंने एक ऑलरेडी इमेज जो डेजर्ट की है वो सेव करके रखी हुई है, मैं इसमें डाल देता हूँ इस तरह से। खुलाएंगे नीचे, इस ग्रुप में क्लोज कर देते हैं, इसको नीचे लाके इसके ऊपर रखते हैं ताकि सेम चीज़ मास्क करता हूँ। हाँ, ये इरेज कर दिया। अब हम इसकी शेडो पे काम करते हैं। शेडो बनाने के लिए मैंने जस्ट इसको कॉपी कर दिया, ऑल्ट के साथ भी आप उठा के कॉपी कर सकते हैं।
इसको मैंने इसके नीचे डाल दिया और इस पर मैं यहाँ से कलर ओवरले कर देता हूँ ब्लैक कलर में। ओके इस तरह से, और इसकी ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर दूंगा। फिल्टर्स में जाके ब्लर, ठीक है, सेम मास्क और ब्लैक कलर से इनकी शेडो है वो इस तरह से रिमूव करूंगा। एक और नई लेयर लेके डी ब्लैक कलर ले लेता हूँ। इसके बैकग्राउंड में जो पीछे स्काई दिख रहा है मैं उसमें थोड़े से क्लाउड्स ऐड कर दूंगा। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो पोजीशनिंग है वो सेट हो गई है। अब हम इसके बैकग्राउंड पे जैसे आपने पोस्टर में देखा है वो श्री राम जी की जो पिक्चर है वो बहुत कम शेड में वो आ रही है। अब वो भी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है तो अब उस पर काम करते हैं। के बैकग्राउंड में जो हल्का सा टेक्सचर देना चाह रहा हूँ, जो कि ये जो टेक्सचर है वो आ गया, ये कितना इफेक्ट कर रहा है वो देखना है। अब मैं इसके बैकग्राउंड में एक फ्लेयर ऐड करता हूँ। मेरे पास एक इमेज है ऑलरेडी जिसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा। अभी मैं इसका एक कॉपी करूँगा, इसको ऊपर डाल देता हूँ, इस पर मास्क करके ब्लैक कलर से यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। बट जो फ्लेयर है वो देखिए यहाँ भी इस पार्ट में यहाँ ऊपर आ रहा है, इसलिए इसको ऊपर लाने के लिए मैंने ये कॉपी किया है। एक लेयर ऊपर हो गई, एक लेयर नीचे हो गई, तो यहाँ से हटा देता हूँ। ये जो दिख रहा है वो नीचे वाले लेयर का दिख रहा है और ऊपर जो है बस केवल यहाँ दिखाने के लिए, यहाँ पे दिखाने के लिए येलो कलर का लेके इसके ऊपर ब्रश से ये कर दिया। और इसका मोड आप अपने हिसाब से देख लो कि क्या करना। ये चीज़, ये एक फ्लेयर आ गया इस तरह से। अब इसके हम टेक्स्ट पे काम करेंगे। जो मेन टेक्स्ट है वो है राम सेतु। मैं यहाँ लिखता हूँ, इसका फॉन्ट एक बार डिसाइड करते हैं। ये एक फॉन्ट है, इसका कलर जो है मैं वाइट कर देता हूँ। जो फॉन्ट है वो आप कोई भी उससे सिमिलर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने भी सिमिलर उसका फॉन्ट यूज़ किया है। अक्षय कुमार से नीचे मैं एक लेयर ले रहा हूँ, इस पर मैंने ब्लैक कलर का इस तरह से एक ये दे दिए ताकि टेक्स्ट है वो मेरा ठीक दिखे, हाईलाइट होके दिखे। ये मैंने कर दिया, अब लिख दिया मैंने इस पर राम से। तो कुछ चीज़ें जो है वो हाईलाइट करनी है तो वो हम कास्टिंग्स हैं, कास्टिंग्स ले लेता हूँ। कलर बैलेंस, केवल इस पार्ट पे इफेक्ट करने के लिए मैंने इसको इस लेयर से मास्क कर दिया। कंपनी के लोगोज हैं वो मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने पोस्टर देख के जो कुछ इमेजेस हैं वो डाउनलोड किए हैं। ये जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे लिखा है।
आई होप आप लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, और राम सेतु का जो ट्रेलर है और पोस्टर है वो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो एक बार आप जाके ज़रूर देखें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या चीज़ आपने इसमें नई सीखी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इसी तरह के जो भी फिल्म्स आते रहेंगे या फिर कोई भी नई चीज़ आती रहेगी तो मैं आपको सिखाऊंगा ज़रूर कि उस चीज़ को कैसे बनाना है। काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें मैं इस चैनल पर करने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।